पिज्जा आपने बहुत जगह पे खाया होगा, पिज्जा हट में खाया होगा, लेकिन जो पिज्जा मैं बनाने वाली हूँ ना वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी है, बहुत ही जल्दी बनने वाला है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी पिज्जा है। एक बार इस पिज्जे को जरूर ट्राई करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी शोभा रावत और आपका मेरे चैनल खुश मिजाज जिंदगी किचन में एक बार फिर से स्वागत है। इस हेल्दी और टेस्टी पिज्जा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी परात ले ली है। परात में ऐड कर लेती हूँ 1 कप आटा। यहाँ पे मैं कटोरे से मेजरमेंट कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। आटे को मैं इस तरीके से थोड़ा सा फैला लेती हूँ और इसके साथ ही ऐड कर लेती हूँ 1/4 कप रागी या मंडुए का आटा। यहाँ पे मैंने दोनों आटे को पहले ही छान के रखा हुआ था, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे रागी का आटा भी स्किप कर सकते हैं। अब इसमें ऐड कर लेती हूँ 1/4 चम्मच नमक, 1 पिंच या बहुत ही कम मात्रा में बेकिंग पाउडर। यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडे का इस्तेमाल नहीं किया है, बेकिंग पाउडर लिया है। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे मैं आटा तैयार कर लेती हूँ, पिज्जा का बेस तैयार कर लेती हूँ। पिज्जा का आटा लगाने के लिए यहाँ पे मैंने दही लिया है, तो गूंदने के लिए यहाँ पे मैंने 1/2 कटोरी दही ली है, बिल्कुल फ्रेश दही है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें दही ऐड करती रहूँगी और आटे को मिक्स करती रहूँगी। ऐसे करने से हमें क्वांटिटी का पता चल जाता है कि आटा गूंदने के लिए कितनी दही इस्तेमाल हो रही है। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी और 1/4 कटोरी में 1/2 कटोरी दही ली है। अगर डो के लिए दही कम पड़ जाए तो उसी कटोरी में थोड़ा सा पानी डाल करके आप यहाँ पर आटा भी लगा सकते हैं। दही थोड़ा सा कम पड़ रही है तो मैंने दही वाली कटोरी में थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है और इसी से मैं बाकी का डो भी तैयार कर लेती हूँ। जब आटा अच्छे से मिक्स हो जाए तो इस तरीके से मैं कम से कम इसे 5 से 7 मिनट अच्छे से नीट कर लूँगी, गूंद लूँगी। 5 से 7 मिनट आटे को अच्छे से गूंदने के बाद हमारा ये पिज्जा का बेस तैयार हो गया है। अब इसे मैं ढक करके कम से कम 25 से 30 मिनट सेट होने के लिए रख देती हूँ। आटा को यहाँ पे 1/2 घंटा हो चुका है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आटा काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी फ्लफी हो गया है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे आटे की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं इसे 2 भागों में डिवाइड कर लूँगी। अगर आपको बड़े साइज़ का फुल साइज़ का बनाना है तो आप इसी से बना सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 पिज्जा बना रही हूँ मीडियम साइज़ के, तो आटे को मैं 2 भागों में डिवाइड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देख रहे होंगे मैंने इक्वल पार्ट में इसे डिवाइड कर लिया है। बराबर हिस्से करने के बाद अब मैं एक हिस्से को बेल लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसे पूरा राउंड कर लिया है और राउंड करने के बाद हथेली की मदद से मैंने थोड़ा सा इसे फ्लैट करा है और अब इसको बेलना शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेलने के लिए ना ही ऑयल का इस्तेमाल किया है और ना ही आटे का इस्तेमाल किया है, तो इस तरीके से ये बेस आराम से बेल के तैयार हो जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं आटा बिल्कुल भी नीचे नहीं चिपक रहा है। तो ये हमारा पिज्जा का बेस तैयार हो गया है। अब दूसरी साइड मैंने गैस पर पैन गर्म होने के लिए रख दिया था। पैन अच्छे से गर्म हो गया है। अब जो बेली हुई रोटी है ना उसे मैंने पैन में रख लिया है। पैन का फ्लेम यहाँ पे बिल्कुल लो होना चाहिए और लो फ्लेम पे ही मैं इसे दोनों साइड से अच्छे से पकाऊंगी। इससे क्या होता है, जो आटा होता है ना वो अंदर से कच्चा नहीं रहता है और दोनों साइड से अच्छे से पक जाता है। अब यहाँ पर आटा फूले ना, क्योंकि हमने यहाँ पर बेकिंग पाउडर भी ऐड करा है और दही भी इस्तेमाल किया है। इससे क्या होता है, जो आटा होता है ना फूलने लग जाता है। तो यहाँ पर आटा फूले ना, जो हमारा पिज्जा बेस है वो फूले ना, उसके लिए यहाँ पे मैंने फोक की मदद से इस पर होल कर लिए हैं, छेद कर लिए हैं। अब यहाँ पे इसे 2 से 3 बार अलट पलट करके सेक लूँगी। यहाँ पे हमारा पिज्जा बेस अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसमें ऐड कर लूँगी पिज्जा सॉस। तो यहाँ पे मैंने ये पिज्जा सॉस है ना ये घर पे ही तैयार करा है। अगर आपके पास पिज्जा सॉस नहीं है तो आप यहाँ पर टमाटर केचप भी इसमें लगा सकते हैं। पिज्जा सॉस को मैं अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी, अच्छे से लगा लूँगी। अब इसमें ऐड कर लेती हूँ चीज़। तो चीज़ को भी मैं अच्छे से इसमें स्प्रेड कर लूँगी, अच्छे से फैला लूँगी, ताकि ये ना कहीं से खाली ना रहे, कहीं से ये ना लगे कि इसमें चीज़ नहीं है। और स्पेशली बच्चों को चीज़ और पिज्जा बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो इस तरीके से मैंने चीज़ को स्प्रेड कर लिया है। अब इसमें ऐड कर लेती हूँ टमाटर। तो टमाटर को मैं थोड़ा सा इस तरीके से कट करा हुआ है, आप चाहे तो अंदर का बीज भी निकाल सकते हैं। इसके साथ ही इसमें ऐड कर लूँगी शिमला मिर्च। तो सारी चीज़ें ना टमाटर प्याज और जो शिमला मिर्च है उनको मैंने इक्वल पीसेस में एक साइज़ में कट करा हुआ है, ताकि ये दिखने में भी ना अच्छा लगे। तो इस तरीके से मैंने शिमला मिर्च को भी अच्छे से स्प्रेड कर लिया है, अच्छे से लगा लिया है। अब इसमें ऐड कर लूँगी प्याज। तो प्याज को भी मैंने कुछ इस तरीके से कट करा हुआ है। और दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी रेसिपी को लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करें। साथ ही अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
अब यहाँ पे मेरे पास जितनी भी सब्जियाँ थी वो मैंने इसमें स्प्रेड कर लिया है, इसमें सेट कर लिया है, लगा लिया है। अब इसके ऊपर से ऐड कर लूँगी मैं ढेर सारा चीज़। आप यहाँ पे ना इसमें पनीर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी पनीर अवेलेबल नहीं है, इस वजह से मैंने यहाँ पे सीधे चीज़ को ही स्प्रेड कर लिया है। चारों तरफ चीज़ को अच्छे से स्प्रेड करने के बाद अब यहाँ पे मैंने दूसरी साइड पैन गर्म होने के लिए रख दिया था। पैन अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें रख लेती हूँ पिज्ज़ा और गैस का फ्लेम कर लेती हूँ बिल्कुल लो। लो फ्लेम पे ही हमें इसे स्टीम करना है जब तक कि जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट ना हो जाए, इससे ज़्यादा हमें इसे स्टीम नहीं करना है। 5 से 7 मिनट हो गए हैं तो यहाँ पे देख लूँगी चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। मेल्ट होने के बाद अब हमें इसे निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमें पिज़्ज़ा को थोड़ा सा केयरफुली निकालना है। दोस्तों ये हमारा आटे का बहुत ही हेल्दी और टेस्टी पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। अब जल्दी जल्दी से मैं इसमें ओरिगैनो ऐड कर लेती हूँ। अगर आप चाहते हैं तो इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, और बच्चों के लिए चाहे तो चिली फ्लेक्स स्किप भी कर सकते हैं। तो चलो मैं इसमें ढेर सारा ओरिगैनो ऐड कर लेती हूँ, और इसके साथ ही इसमें ऐड कर लेती हूँ सॉस। अगर टमाटर सॉस ना हो ना तो पिज़्ज़ा खाने का मज़ा ही नहीं आता है। तो ढेर सारा मैं इसमें टमाटर केचप को स्प्रेड कर लेती हूँ। यार पिज़्ज़ा को देख करके ना मेरे मुंह से तो पानी टपकने लग गया है, तो फटाफट से ना मैं इसे एक पैनी धार वाले चाकू से कट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास ना पिज़्ज़ा कटर तो है नहीं, तो इसी से मैं कट कर लेती हूँ। तो दोस्तों है ना पिज़्ज़ा बनाने का बहुत ही आसान तरीका, आसान भी है, टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। अब आपको बाहर का मैदा खाने की या बाहर का पिज़्ज़ा खाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही इस तरीके से आटे का पिज़्ज़ा बना सकते हैं और अपने बच्चों की फरमाइश पे ना बार बार इस पिज़्ज़े को बना सकते हैं। दोस्तों इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद कॉमेंट ज़रूर करना कि आपका पिज़्ज़ा किस तरीके का बना था और कैसा टेस्ट था। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ नए दिन में, तब तक के लिए बाय बाय। और आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और साथ में एक कमेंट भी जरूर करना।